नमस्कार, सभी का स्वागत है आपका अपने वीडियो ब्लॉग में। आज मैं मथुरा के उस स्थान पे हूँ जो कि बेहद ही प्रचलित है और काफी विवादों में है। विवादों में क्यों है, सबसे पहले तो ये जानिए। इस राष्ट्र का हम दुर्भाग्य ही मानेंगे कि जिस स्थान पर भगवान का जन्म हुआ, जिस स्थान पर रामलला का जन्म हुआ, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जन्मे, उन स्थानों को सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ी सरकारों ने ऐसा घोषित कर दिया कि वो विवादित हो गए। उन स्थानों को बता दिया गया कि भैया यहाँ मस्जिद थी और ये गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने लगे। कहानी मथुरा की भी कुछ इस प्रकार से ही है। जैसे अयोध्या के राम लला जन्म स्थल को मस्जिद के साथ, मस्जिद के ढांचे के नीचे दबा दिया गया था, कुछ इसी प्रकार का मामला यहाँ मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का है। अभी मैं कृष्ण जन्मभूमि स्थल के बिल्कुल मंदिर जो है उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। इसके एक तरफ तो हमें देखने मिलती है मस्जिद और एक तरफ पूरा का पूरा जो भगवान का कारागार था, जहाँ उनका कहा जाता है कि जिस कारागार के यहाँ उनका जन्म हुआ था, ऐसे उस स्थान को मंदिर कर दिया और एग्जैक्ट जन्म जहाँ पे भगवान का हुआ था उस स्थान पे महान शासक, कई महान शासक जो राष्ट्र के हुए, जिन्हें मुगल कह देते हैं, जिन्हें सिकंदर लोधी टाइप के कह देते हैं, उन लोगों को एक ढांचा तैयार कर दिया जिसको मस्जिद कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात यहाँ मथुरा के स्थल की है। सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े सरकारों ने ऐसे ही राष्ट्र के जो आराध्य हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उसको दबा दिया और उसको नाम दे दिया गंगा जमुनी तहजीब। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इस जमीन पर वर्तमान में 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, तो वहीं 2.37 एकड़ का जो हिस्सा है वो वर्तमान में तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले की है, जब दिल्ली में औरंगजेब शासन करता था। 1670 की ये बात है। औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसके एक साल पहले की काशी में भी उसने एक मंदिर तोड़वाया था और इसके बाद अब बादशाह के आदेश पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का जो मंदिर था उसे धराशायी कर दिया। इसके बाद इसी ज़मीन पर तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद तैयार हुई और औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की जो पुष्टि है वो इतावली यात्री निकोलस मनुची के लेख से होती है। मनुची मुगल दरबार में आया था। यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में जानकारी दी है कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद का भी लंबा घटनाक्रम है, जो आप अगर इसके बारे में जानना चालू करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। अभी जो बात ध्यान देने वाली है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल है वो हिंदुओं के पक्ष में है और उस पर 2.37 एकड़ में तथाकथित शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है।